Yes? क्या आप जानते हैं कि ये खन्ना इंडस्ट्रीज का है? वेरी बैड, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसको? बस कंडक्टरों को। क्यों? आपको पता है उनका आजकल गवर्नमेंट के साथ पंगा चल रहा है, यही तनख्वाह बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन अपना गुस्सा पैसेंजर्स पे उतारे। अरे ये क्या बात हुई, लड़ना ही है तो जाके सरकार से लड़े, है ना? हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या है? अब क्या होना है, कल ही बेचारा एक पैसेंजर यहाँ उतरा और बोला मुझे कुतुब मीनार देखना है। लेकिन वो तो दिल्ली में है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उसको यही बोल के उतारा ना कि ये दिल्ली है। दिल्ली? अब बताइए, दिल्ली यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। 300 किलोमीटर? हाँ। ओ मर गए। नहीं नहीं नहीं, आपको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको खन्ना इंडस्ट्री जाना है ना, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर? हाँ, वो पहाड़ी देख रहे हैं आप? हाँ हाँ, वो वाली। हाँ, वो ऊंची वाली। उसके पीछे? नहीं नहीं, आप उससे नीचे उतरिए, आपको एक छोटा सा तालाब मिलेगा, फिर लग गई दो पार हमरे पिया को ओए रे खवैया। ये क्या है? नाव वाले का गाना। नाव वाले का गाना? हाँ। ओ अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ आप किसी और से पता मत पूछना, क्योंकि यहाँ के लोग सबका बेवकूफ बनाने में उस्ताद है। नहीं 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 पूछूंगा, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। ऑफ कोर्स। खन्ना इंडस्ट्रीज। शालू, बेचारे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दी, वो कोई बेचारा बेचारा नहीं है, उस बदतमीज अकड़ू के साथ ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग ये हंस रहे हैं, वो पहाड़ चढ़ रहा होगा। हाँ, लेकिन उस अकड़ू को ये नहीं पता कि पहाड़ चढ़ने का रास्ता तो है। अरे बाप रे, बच गए बच गए। लेकिन नीचे उतरने का नहीं। ओह माय गॉड। लगाई दो पार हमरे पिया को ओए रे खवैया। लगाई दो पार हमरे पिया को खवैया। मैं लो भाई जी, आ गई आपकी खन्ना इंडस्ट्री। ये लो भाई साहब, आपके 50 रुपए। हाँ ठीक है, जाओ। ये क्या है? ये तो वही जगह है जहां से मैं परसों निकला। अरे लेकिन यही तो है ना आपकी खन्ना इंडस्ट्री। इसका मतलब उस लड़की ने मुझे वो मिली, मैं उसका, मैं उसके बाल नोच दूंगा। नहीं,